प्रदेश में ट्रेनों के गुजरने से पहले रेल ट्रैक पर अवरोध की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। दो ऐसी घटनाएं फिर सामने आई। संत कबीर नगर में ट्रैक पर फेंकी गई साइकिल देखकर साबरमती एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। यद्यपि ट्रेन के इंजन में साइकिल फंस गई। इससे पहले 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के साथ कानपुर में घटना हुई थी, जब रेल ट्रैक पर रखा पटरी का टुकड़ा टकराने के बाद ट्रेन भी पटरी हो गई थी। वहीं दूसरी घटना ललितपुर में पातालकोट एक्सप्रेसवे के साथ हुई, जिसने इंजन में ट्रैक पर रखी लोहे की छड़ फंस गई थी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया। वह घटनास्थल के पास रेलवे को कंस्ट्रक्शन साइट से 6 मीटर लंबी ये छड़ चोरी कर ले जा रहा था। अचानक ट्रेन आने पर देख छड़ ट्रैक पर ही छोड़कर भागने लगा। गोरखपुर से चली साबरमती एक्सप्रेस को शनिवार सुबह 5:38 पर खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचाना था। खलीलाबाद से 1.5 किलोमीटर पहले मुखलिसपुर में ओवरब्रिज के पास ट्रैक पर साइकिल देख लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। जब तक ट्रेन रुकती साइकिल इंजन में फंस गई। चालक के कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। वहीं एसपी सत्यजीत गुप्ता, एएसपी सुशील कुमार सिंह, जेआरपी व आरपीएफ थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त साइकिल को इंजन से निकाला गया। ट्रेन लगभग 10 मिनट रुकी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह किसी की भी शरारत लग रही है। एसपी ने बताया कि कुछ क्रह और दुर्योग दोनों पहलुओं पर गंभीरता से जांच कराई जा रही है। उधर आरपीएफ कमांडेंट चंद्रमोहन का कहना है कि ट्रैक मित्रों से पता चला है कि दो बच्चे साइकिल ले जाते दिखे थे। संभव है ट्रेन देख साइकिल छोड़ भाग गए होंगे। बच्चे चिन्हित कर लिए गए, उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं ललितपुर में गुरुवार रात जखोरा देलवारा रेलवे लाइन पर रखी लोहे की छड़ 6 मीटर लंबी व डायमीटर 20 मिलीमीटर पातालकोट एक्सप्रेसवे के इंजन पर फंस गई। गेटमैन भरत राजपूत ट्रेन को पास कराते समय गेट से 100 मीटर पहले पहिए से अचानक चिंगारियां उड़ते देख तत्काल रेलवे स्टेशन दलालवा के स्टेशन अध्यक्ष अर्जुन झा को सूचना दी गई। स्टेशन अध्यक्ष की सूचना पर लोको पायलट ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और इंजन में फंसी लोहे की छह बाहर निकाली। इसके बाद ट्रेन रवाना हो गई। 100 न्यूज की रिपोर्ट।